केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को भी स्थायी सदस्यता दी गई। दो दिन चले गए समिट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे खास था नई दिल्ली घोषणा पत्र, यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इस घोषणा पत्र में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई और आगे की योजना पर काम करने की बात कही गई। G20 के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, पृथ्वी को बेहतर ग्रह बनाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चा। स्ट्रीट पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने भी बयान दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रधानमंत्री के इस बयान को वीडियो सहित शेयर करते हुए लिखा, केवल एक शब्द सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल, #G20Bharat2020। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी G20 को लेकर एक्स पर बयान जारी करते हुए लिखा था, भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। तो वहीं G20 समिट को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना बयान जारी किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 की सफलता पर एक्स पर लिखा था, नई दिल्ली में ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक ने विश्व मंच पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने आगे लिखा, नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनना वैश्विक विश्वास की कमी को पाटने और दुनिया में भरोसा विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को आम सहमति के पास जारी किया गया था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।